अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे जी मिलिया पे, या फिर इसको मिल्की स्पॉट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये वाइट कलर में होते हैं, मिल्की होते हैं, तो उनको मिल्की स्पॉट्स भी कहते हैं। ये खास तौर पे अंडर आई एरिया में होते हैं, जो चीक्स बोन होती हैं वहाँ पे बन जाते हैं, फोरहेड नोज़ एरिया पे ज़्यादातर लोगों को होते हैं, या फिर चीक्स पे भी बन जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मिलिया क्या होता है, इसके काजेज़ क्या हैं, और इसकी ट्रीटमेंट है क्या। फार्मेसी में हमें ओवर द काउंटर को ऐसी ट्रीटमेंट मिल जाती है, क्रीम्स मिल जाती हैं जो कि इसमें इफेक्टिव होती हैं। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मिलिया की बात करें तो आपको जो स्किन प्रोसेस होता है, यहाँ पे जो सेल का टर्नओवर होता रहता है, जो डेड सेल्स होते हैं वो रिमूव होते हैं और नए सेल्स बनते हैं। लेकिन क्या होता है, बाद जो आपके डेड सेल्स होते हैं, कैराटिन सेल्स होते हैं डेड, वो क्या होता है आपकी स्किन के अंदर जमा हो जाते हैं और उनके ऊपर नई तह बन जाती है नए सेल्स की, वहाँ पे वाइट सीड्स बन जाते हैं, इसको मिलिया कहते हैं। अगर आपको मिलिया और जो वाइटर्स होते हैं ये सेम तरह के होते हैं, लेकिन आपको इनका फ़र्क पता होना चाहिए। ये ना कि आप ट्रीटमेंट करें मिलिया की और वो वाइट हेड्स हो। जो वाइट हेड्स होते हैं, या आपका जो सीबम पोर होता है, जहाँ से आपका जो पसीना है या स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वहाँ से निकल के, वहाँ पे ये एक्ने की टाइप होती है, वाइट हेड्स जो होते हैं आप इनको स्क्वीज़ करके निकाल सकते हैं। लेकिन जो मिलिया होता है, ठीक है, ये आपके जो सीबम एरिया होता है, सीबम पोर होता है, इसके अलावा जगह पर बनते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपकी जो हेल्थी स्किन होती है उसके ऊपर हेल्थी स्किन होती है, आप इसको स्क्वीज़ करके बाहर नहीं निकाल सकते। अगर आप स्क्वीज़ करेंगे, ज़्यादा जोर लगाएंगे, या कुछ डिवाइसेस होते हैं, स्टील डिवाइसेस या फिर इस तरह के आयरन डिवाइसेस होते हैं जो कि वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स के इस्तेमाल करते हैं, आप उनको ज़्यादा करेंगे, उसको स्किन को डैमेज करेंगे, तो क्या होता है, ब्लड निकल आता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, आपको स्किन डैमेज होएगी और आपके स्कार बन जाएंगे। मिलिया और जो वाइट हेड्स हैं इनमें आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए। अब इसके काजेज़ की बात करें, मिलिया के काजेज़ क्या होते हैं। पहले नंबर पर तो ये जेनेटिक्स हो सकता है, कि अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है तो ये आपको हो सकता है। दूसरे नंबर पे जिन लोगों का सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है, धूप में ज़्यादा रहते हैं, उनको हो सकता है। तीसरे नंबर पे लोग बहुत ज़्यादा थिक क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं, जिनकी ऑयली स्किन, कम्बिनेशन स्किन होती है, वो थिक ऑयल क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से भी हो जाते हैं। या फिर लोग ज़्यादा देर तक स्टीरॉयड क्रीम इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर ये ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, आपकी जो इम्यूनिटी होती है, बॉडी होती है, हेल्थी सेल्स होते हैं, वो आपकी स्किन के अगेंस्ट काम करते हैं, जिसकी वजह से भी ये हो सकते हैं। अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो जो बेहतर तरीका होता है, अगर तो आपके जो मिलिया है वो आपका अंडर आई है, अंडर आई एरिया में, और ख़ास तौर पे जो आई बाल एरिया यहाँ पे है, ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई भी फार्मेसी क्रीम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ओवर द काउंटर क्रीम्स, कोई भी एक्सफोलिएटिंग क्रीम, पीलिंग क्रीम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। ये बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, तो अगर कोई क्रीम इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ौरन एलर्जी हो जाएगी, ठीक है, और आपका जो स्किन है वो बर्निंग होगी, बर्निंग सेंसेशन होगी, तो आप यहाँ पर कोई भी एक्सफोलिएशन क्रीम, पीलिंग क्रीम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका इलाज होता है कि आप डॉक्टर के पास सीधे जाएं, उनके पास डिवाइसेस होते हैं, पेन नीडल्स होती हैं, बहुत शार्प होती हैं, जिससे वो आपका जो मिली है उसको निकाल देंगे, जो वाइट मिल्की स्पॉट्स होते हैं उसको निकाल देंगे, बाद में आप क्रीम लगा के उसको जो स्कार्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। पहला तरीका तो ये है। दूसरे तरीके में अगर आपके चीक्स बोन्स है, फोरहेड पे है, नोज़ एरिया पे, इसके अलावा आई बाल एरिया के अलावा कहीं भी है, तो आप फार्मेसी में क्रीम्स आपको आसानी से मिल जाती हैं, खासतौर पर ट्रेटिनॉइड क्रीम, विटामिन ए क्रीम, स्किन ए क्रीम, या फिर स्किन और इन क्रीम, या फिर इस तरह की कोई भी पीलिंग क्रीम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप अडेपालिन क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रिन क्रीम आ जाती है, या फिर अडेपो क्रीम आ जाती है, जेल आ जाती है, क्योंकि ये पीलिंग क्रीम होती हैं, तो आपकी जो एपिडर्मस होती है वहाँ से जो स्किन होती है उसको ऐसा ऐसा रिमूव करके इसको भी ख़त्म कर दें। या फिर आप ग्लाइकोलिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जितनी भी पीलिंग क्रीम है आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं मिलिया के लिए। लेकिन अगर वो आपके नोज़ एरिया, चीक्स एरिया, चीक्स बोन एरिया पर है, अंडर आई नहीं, फोरहेड पे है, तो आप यहाँ पे एक्सफोलिएशन क्रीम इस्तेमाल करते हैं। लगाने का तरीका ये है कि आप फेस वॉश लेके गर्म पानी से कोशिश करें कि उसको धो लें, जितना वो ज़्यादा नरम होगा उतनी एक्सफोलिएशन बेटर होगी, तो आप उसको पहले गर्म पानी से धो लें, फेस वॉश से धो लें, उसके बाद क्रीम को लगाएं, तो ये आपका टाइम लगता है, लेकिन ये आपको क्लियर कर देता है मिलिया को, ऐसा ऐसा स्किन को उतारेगा और आपका जो मिलिया वो भी ऐसा ऐसा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब आपका फेस क्लियर हो जाए, मिलिया ख़त्म हो जाए, तो आप जो होता है एक मैजिक क्रीम होती है फार्मेसी में, ठीक है, स्किन ए क्रीम, ट्रेटिनॉइड क्रीम, आप इसको हमेशा इस्तेमाल किया करें, ठीक है, ये अपनी ज़िंदगी का पार्ट बना लें, क्योंकि ये मैजिक क्रीम होती है, ये आपकी एक्नी, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स उसमें इस्तेमाल होती है, आपको जो रिंकल्स होती हैं, फाइन लाइंस होती हैं उसमें इस्तेमाल होती है, एक्नी एजिंग होती है, ये जो सीबम प्रोडक्शन होती है उसको भी कंट्रोल करती है, उसका बैलेंस करती है, और ये आपको जो हाइपरपिगमेंटेशन, मलाजमा, डार्क स्पॉट्स, फ्रैकल्स होती हैं उसको भी ख़त्म करती है। लगाने का तरीका बस मुख्तलिफ होता है, कम से कम जो है वीक में 2 से 3 दफ़ा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी हेल्थी स्किन है तो आप इसको वीक में 1 से 2 दफ़ा इस्तेमाल करें, या आपको प्रॉब्लम्स नहीं आने देंगे, ऐसे प्रिकॉशन भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पाने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।